देश की सबसे बड़ी खबर। लखनऊ के गोमती नगर में देखा गया रमजान का चांद। मगरिब की अजान के बाद देखा गया चांद। कल यानी 14 अप्रैल से पूरे देश में शुरू होगा रमजान का महीना। मुस्लिम समुदाय के लोग रखेंगे 30 रोजे। कोरोना काल के बीच रमजान की खुशियां। कोरोना महामारी की वजह से मस्जिदों में लगे ताले। मस्जिद में सिर्फ 5 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत। चांद के साथ ही शुरू होगी घरों में तरावीह। इस बार घर में ही इबादत करने की दी गई हिदायत। हम इस वक्त लखनऊ के गोमती नगर इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर अभी अभी जो है चांद देखा गया है। ये रमजान का चांद है। इसी रमजान के चांद के साथ कल से रोजों की शुरुआत हो जाएगी। ये मुस्लिम मजहब का सबसे पाक त्यौहार माना जाता है। इस दौरान मुसलमान समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग 30 रोजे रखते हैं और इबादत करते हैं। उसी के साथ आज रात से ही तरावी की शुरुआत हो जाएगी ईशा की नमाज के बाद। हालांकि मस्जिदों में पाबंदी के बाद लोग अब जो है अपने घरों में ही तरावी का एहतमाम करेंगे और मस्जिदों में महज 5 लोगों के जाने की ही अनुमति है। मेरे पीछे मैं कैमरा चाहूंगा अपने कैमरामैन से, जो आपको पीछे दिखाएं कि चांद वहां पर है जो अभी देखा जा सकता है, लेकिन कैमरा में चूंकि इतना रेजोल्यूशन हाई शायद नहीं है ना, और थोड़ा अंधेरा भी हो चुका है, इसलिए चांद को हम आपको स्क्रीन पर नहीं देखा पा रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैंने और मेरी कैमरामैन टीम ने सभी ने चांद को देख लिया है। और कल से जो है रमजान की शुरुआत हो रही है। ये हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए सबसे पाक और सबसे खास त्यौहार माना जाता है। और इसी के साथ रमजान और इबादत के महीने की शुरुआत होती है। इस दौरान इस बार का रमज़ान और भी ज़्यादा खास है, क्योंकि इस बार जो है कोरोना पूरी तरह से सोसाइटी में फैलता चला जा रहा है, जिसकी दहशत लोगों पर तारी हो चुकी है। लोग इस वक्त इबादत करके अपने गुनाहों की माफ़ी के साथ साथ मुल्क की और इस पूरी दुनिया की हिफाजत की दुआएं भी मांगेंगे, क्योंकि हर किसी को ये खतरा है कि कहीं वो कोरोना की चपेट में ना आ जाए। इस वक्त जो है लोगों को ज़रूरी ये है कि लोग सभी गिले शिकवे भूल कर एक दूसरे को गले लगाएं और रमज़ान के महीने में, खासकर इस महीने में जो है लोग दुआएं करें, ताकि जो है जो ये कोरोना की महामारी है इससे जल्द से जल्द छुटकारा पाया जा सके। कैमरा पर्सन निशात खान के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।